नमस्कार आदाब सुश्री काल मैं हूं कपिल काटपल् स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड अदर रिपोर्टेड सोर्सेज दिस इज 8th ऑफ दिसंबर 2020 विद मी आठ दिसंबर 2020 में आप सभी का स्वागत है उम्मीद करता हूँ आप मुझे डेली फॉलो कर रहे हैं इसी जगह पर इसी यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह आठ बजे आपके लिए क्लास लेकर आता है अभी टाइम हो रहा है रात के पौने नौ और वैसे अमूमन ये क्लास आठ बजे होती है ओके okay, कल सुबह से आठ बजे होगी अगर सब कुछ सही रहा तो सो दिस इज एट ऑफ दिसंबर 2020 स्टार्ट करते हैं आज का सेशन गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ओके सो अन अकेडमी प्लस में अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरी ये कोर्स ऑलरेडी स्टार्टेड है हंड्रेड आवर्स की क्लासेज हैं जनवरी तक ये कोर्स चलेगा और यू कैन यूज द कोड नीति एज वेल एज यू कैन यूज दिस कोड फॉर अनलॉकिंग द फ्री कंटेंट ऑन दी अकेडमी ओके सो अगर आप पहले बार सब्सक्राइब करने जा रहे हैं लॉग इन करने जा रहे हैं तो इस कोड को यूज करके आप अनलॉक भी कर सकते हैं वहां का कंटेंट को फ्री कंटेंट को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेगा जहां पर आपको मेरी सारी की सारी पी एंड ऑल मिलेंगी एट केक आर्ट पर लिखना है आपको टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में लिखोगे एट केक आर्ट पर आपको मेरा चैनल मिल जाएगा ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ओके स्टार्ट करते हैं सेशन को वैसे सेशन मैंने नौ बजे कहा था उससे पहले मैंने रीशेड्यूल कर दिया तो जनता अभी भी जुड़ी नहीं है कोई बात नहीं ओके okay. ये क्या है अरे भाई ये क्या हो गया रुको जरा क्या गड़बड़ होगी चलो कोई बात नहीं यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं कल कवर कर लेंगे कोई न्यूज शायद गलती से डिलीट हो गई पहला और ये कौन सी लैंग्वेज लिखी आ रही है कैन यू शट गलती से डिलीट हो गया पाला हे कैन यू शट गलती से डिलीट हो गया पाला है कैन यू ये क्या आ रहा है <laughs> चलिए स्टार्ट करते हैं ये पढ़ते हैं बाद में कल की एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक ओके यहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक से पहली खबर एडीबी uh, ने अप्रूव किया अच्छा पिक्चर नहीं लगाई बहुत सारी न्यूज थी यार नहीं लगवा पाया कल सुबह से स्टार्ट हो जाएंगी एक दिन बियर कर लेना चार सौ तीस मिलियन डॉलर जो सुबह से तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी मतलब खैर बनी पड़ी थी बट पिक्चर नहीं लगाई थी अभी बस आप मान के चलो शाम को मैं सोकर उठाऊँ बैंक भी नहीं गया था और अब जाके सही लग रहा है सो so, चार सौ तीस मिलियन डॉलर एंड अबाउट चार हजार एक सौ तिरतालीस मल्टी ट्रांस फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर उत्तर प्रदेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिहेबलेशन प्रोजेक्ट सो यहां पर चार सौ मिलियन डॉलर यहां पर मल्टी ट्रांस फाइनेंसिंग फैसिलिटी उत्तर प्रदेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिहेबलेशन प्रोजेक्ट के लिए दिया है पैसा ए ने ए ने कितना दिया है 430 मिलियन डॉलर आपका दिया है द प्रोजेक्ट फाइनेंस द कन्वर्जन ऑफ 65,000 किलोमीटर ऑफ रूरल लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ओके सिक्सटी फाइव की रूरल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन uh, लाइंस आपके उसके लिए बेसिकली ये दिया गया 430 मिलियन एंड इसके अलावा यहाँ पर 11 किलोवाट का फीडर्स विद टोटल लेंथ ग्यारह किलोवर्टर किलोमीटर भी इनिशिएट किया जाएगा एज एज वेल ने हाल ही में आपका मिलियन डॉलर लोन आपका मेघालय uh, को भी दिया है टू मॉडर्नाइज पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ओके सो ये दो लोन आपके एक तो दिया गया है आपका किसको उत्तर प्रदेश को दिया कितना पैसा दिया 430 मिलियन डॉलर दिया और मेघालय को दिया है कितना एक मिलियन डॉलर ये दोनों के दोनों लोन आपके दिए गए एक उत्तर प्रदेश को दिया गया दूसरा मेघालय को दिया गया है एंड ये आपका दोनों के दोनों दिए गए हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ओके दोनों के फिगर दोनों के राज्यों के नाम

लग जाओगे पंजाब नेशनल बैंक में अगर आपकी पोस्टिंग आती है तो वहां पर अगर कोई भी आप लोन प्रोसेस करने जा रहे हैं यानी कोई भी लोन अगर आपको इनिशिएट करना है किसी कस्टमर ने अप्लाई किया और फिर उसको पूरा का पूरा प्रोसीजर जो भी लोन का होता है वो आपको करना है तो आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे जितनी भी एप्लीकेशन आएंगी वो उसमें फीड होंगी जो भी आगे डिटेल है जो भी एलिजिबिलिटी उनकी निकाली जाएगी वो सारी की सारी इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही निकाली जाएगी ये सॉफ्टवेयर उनके इंटरनली एक दिसंबर दो से आपका इंप्लीमेंट हो चुका है दिस इज दी एन बी लेंस द लैंडिंग सोल्यूशन एग्जाम में पूछेंगे द लैंडिंग सोल्यूशन के नाम से या लेंस के नाम से एक सॉफ्टवेयर कौन से नेशनलाइज बैंक में या फिर कौन से बैंक में अभी हाल ही में डेवलप किया गया इनिशिएट किया गया राइट आंसर पंजाब नेशनल बैंक रहेगा कब से इम्प्लीमेंट में आया है एक दिसंबर 2020 से आया है इम्प्लीमेंट में इसके अलावा एक दूसरी चीज भी यहां पर लॉन्च की है पीएनबी ने और वो लॉन्च की है ओटीपी ओटीपी क्या चीज है ओ है आपका यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड बेस द कैश विद्रो इफेक्टिव फ्रॉम फर्स्ट दिसंबर सो बेसिकली अगर आप दस हजार रुपए से ज्यादा अगर पी एन बी एटीएम से पैसा निकालते हो तो और अगर आप आठ बजे से लेकर सुबह आठ बजे के बीच में पैसा निकालते हो रात के आठ और सुबह के आठ के, के बीच के हैं तो आपको ओटी चाहिए होगा आप जैसे ही पेमेंट निकालोगे तो एक ओ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे आएगा जब आप ओ उस मशीन में आप एटी ए टी मशीन में डालेंगे तभी आपको विड्रॉ करने दिया जाएगा नहीं तो आप विड्रॉ नहीं कर

पीएनबी को यहां पर स्वदेशी बैंक भी कहा जाता है पहला फर्स्ट स्वदेशी बैंक यहाँ पर नेम यू कैन बैंक अपॉन आप जिस नाम पे ट्रस्ट कर सकते हैं दैट इज पंजाब नेशनल बैंक ओके इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है ये आपका चलते हैं एंड

ड्यूल इंटरफेस फीचर ओके सो ये एक यूनिक ड्यूल फीचर है कौन सा ड्यूल फीचर है कि ये दोनों दो, की तरह कॉन्टैक्ट एज वेल एज कॉन्टेक्ट लेस ट्रांजेक्शन के लिए

जो दूर से ही आप टच कर देते हो पीएस मशीन को तो आपके कार्ड से पैसा डिडक्ट हो जाता है दैट इज अ दस कार्ड ओके सो ये आपका डोमेस्टिक एज वेल एज दी ओवरसीज ट्रांजेक्शन मीन इंडिया में भी और फॉरन ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर सकते है और इंडिया में एनपीसीआई ने रुपे नेटवर्क पर इसको लॉन्च किया रुपे जो आपकी कार्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके द्वारा और ग्लोबल लेवल पे कौन है जेसीबी मीन ग्लोबल लेवल की जो ट्रांजेक्शन देखा वो जेसीबी देखेगा और इंडिया में जो ट्रांजेक्शन होगी वो रुपए देखेगा ठीक है तो ये पूरी की पूरी न्यूज है नीचे जेसीबी के चेयरमैन एंड एम सीडी जो है सीईओ जो है उनका नाम है इचिरो हमाकावा एंड हेड क्वार्टर इसका टोक्यो में है एनपीसीए की बात करें तो दिलीप एस बी इसके एमडी एंड सीईओ है हेडक्वार्टर मुंबई में है एंड एस्टेब्लिश बाय द आरबीआई एंड द आईबीए के द्वारा यहां पर और रेगुलेटर इसका आरबीआई है इसके तहत ये काम करता है राइट नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं यस yes बैंक ने आपका री लॉन्च किया है यस प्रीमिया विद प्रीमियम बैंकिंग सर्विसेज टू कस्टमर सो यहां पर यस yes बैंक के द्वारा एक प्रीमियम सर्विसेज प्रीमियम सर्विसेज यानी कि कह सकते हैं एक अलग से सर्विसेज आपकी कस्टमर को दी जाएंगी बशर्ते आपका कस्टमर इस स्कीम को अडोप्ट करता है ओके सो ये आपकी स्कीम यहां पर एक प्रीमियम बैंकिंग सर्विस है मीन जो उनके वी आई पी कस्टमर्स होते हैं या फिर कुछ प्रिविलेज कस्टमर्स लाइक इंडिविजुअल है कुछ सेल्फ एम्प्लॉइज हैं या फिर सीनियर सिटीजन है इनके लिए ये आपका लॉन्च किया गया है तो यस बैंक के द्वारा ओके okay. आवाज कर रहा है ओके okay, यस बैंक के द्वारा यहां पर <coughs>

लॉन्च uh, सर्विस है वो आपको फ्री में ऑफकोर्स दे देते हैं कोई आपको सब्सक्रिप्शन फ्री दे, दे देते हैं आप uh, होटल में खाना खाने जाते हो वहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलता है आपको रिवार्ड्स पॉइंट मिलता है तो उनका ओवरऑल कोई एयर टिकट्स में डिस्काउंट दे देते दे दे हैं रेलवे टिकट बुकिंग में डिस्काउंट मिल जाता है आप कार्ड को यूज़ करते हो तो इस तरह के जो uh, आपकी बेनिफिट्स हैं वो नियर अबाउट सिक्सटी फिफ्टी के यहाँ पर इन्होंने कहा है कितने बेनिफिट्स आपको मिलेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए यहाँ पर अवेलेबल है ऑटोमेटेड स्वीप फैसिलिटी फ्रॉम करंट टू जिस सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपोजिट मीनस आपके ऑटो ऑटोमेटिकली अगर पैसा आपका सेविंग अकाउंट में तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा फिक्स डिपॉजिट में चला जाएगा इस तरह की एक फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है सीनियर सिटीजन के लिए हाई इंटरेस्ट रेट इन कंपेरिजन टू दी अदर नॉर्मल सिटीजन आपके जो साठ साल से कम के साठ साल से ज्यादा के जो सिटीजन है उनके लिए यहाँ पर प्रोवाइड की गई है एंड ये आपकी कुछ चीजें यस बैंक के द्वारा यस प्रीमिया यस प्रीमिया नाम याद रख लीगा ये आपकी की गई है एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन हाल ही में कौन से बैंक ने कुछ अपनी प्रीमियम बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की है कस्टमर को और उसके तहत उन्होंने हाँ पर एक आ, ट्रूली यूर्स वीक भी लॉन्च किया था, राइट रहेगा ट्रूली यूर्स वीक, किसके द्वारा? के द्वारा के अलग से क्वेश्चन आ सकता है, इसके अलावा रिसेंटली यस बैंक ने आपका पार्टनरशिप किया था वर्ल्ड लाइन के साथ जिसके तहत तो उन्होंने लॉन्च की है, यस बैंक पार्टनरशिप विदर्ल्ड लाइन वर्ल्ड लाइन पी ओ एस मैनुफेक्चरिंग कंपनी है जो कि पी ओ एस पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो स्वाइपिंग मशीन होती है वो आपकी प्रोवाइड करवाती है इसके साथ मिलकर इन्होंने पे फंक्शनैलिटी को भी लॉन्च किया है आपका पी ओ एस टर्मिनल्स के थ्रू यानी कि आप एस एम एस के थ्रू ही आपका बिल भी जनरेट हो जाएगा पेमेंट भी हो सकती है सो ये चीज आपकी की गई है यस yes बैंक की वर्ल्ड बैंक के साथ वर्ल्ड लाइन के साथ मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है प्रशांत कुमार इसके एंड एमडीए एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज इसकी टैग लाइन है अगली न्यूज पे चलते हैं और वो आई है ओ ने रिवाइज किया है इंडिया का फाइनेंशियल ट्वेंटी वन का जी डी पी फोरकास्ट टू माइनस नाइन पॉइंट नाइन ओके सो यहाँ पर यहां पर इन्होंने अर्लियर प्रोजेक्शन दिया था सितंबर में फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी का ओके okay. फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी जो अभी चल रहा है इसमें इन्होंने कहा था कि यहां पर इंडिया की जो जी है वो आपकी दस से कॉन्ट्रैक्ट होगी बट यहां पर इन्होंने अब चेंज करके इसको नो दशमलव, नो प्रतिशत कर दिया है इंडिया की जीडीपी को यहां पर और ये यहां पर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो इसने जो जो ईसीडीएस की रिपोर्ट क्या कहती है ब्राइटर आउटलुक बट रिकवरी विल बी ग्रेजुअल ये आपकी इस रिपोर्ट का टाइटल है ये रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर जो जीडीपी है उसका रेट जो है वो रिवाइज किया गया है इट हेज ऑल्सो एंड फाइव परसेंट इन फाइनेंशियल ट्वेंटी थ्री अगर ये जीडीपी इस तरह से आपके सही मूवमेंट पे चलती रही ये प्लस में है दिस इज नॉट इन माइनस दिस इज इन दॉजिटिव सेंस एंड ग्लोबल लेवल की बात करें तो ओ ने कहा है आपका ग्लोबल लेवल पे जी जो है चार दशमलव दो प्रतिशत से आपकी कम होगी यहाँ पर 2020 में जबकि अर्लियर इन्होंने चार दशमलव पांच प्रतिशत बोला था और 2021 में आपका यहाँ पर ये चार दशमलव दो प्रतिशत एंड यहाँ पर जो कि अर्लियर पांच प्रतिशत इन्होंने बात की थी ओके okay, सो so ये ओ के प्रोजेक्शन आए हैं रिपोर्ट याद रख लीजिए आप पूछेंगे ब्राइटर आउटलुक बट रिकवरी विल बी ग्रेजुअल रिपोर्ट किसने दी है ओई के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है क्या प्रोजेक्शन लिया है इंडिया का प्रोजेक्शन याद रख लीजिएगा नौ दिया है हो सकता है आपके एग्जाम आने से पहले फिर से चेंज हो जाए तो जीडीपी की जो भी न्यूज होती है वो आपकी लेटेस्ट वाली ही फाइनलाइज मानी जाती है पुरानी वाली आपसे नहीं पूछी जाती तो फिलहाल आप ये याद रख लेंगे इनके साथ अगर आपके जनवरी में जो मेंस के एग्जाम होने वाले हैं जनवरी लास्ट वीक फेबर में आपके होने वाले हैं तो उससे पहले अगर न्यूज आती है तो फिर ये वाली न्यूज हमारे है इसकी में थर्टी सेवन के नाम नहीं याद रखने बैठ जाना ठीक है नहीं तो अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर भी भूल जाओगे ओके okay, नेक्स्ट चलते हैं एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग जियो ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ट्वेंटी एट माइनस नाइन परसेंट सो so, यहाँ पर एस एंड पी दैट इज जिसको पहले हम स्टैंडर्ड एंड पुअर के नाम से जानते थे उनकी एक रिपोर्ट आई है एशिया पैसिफिक में उन्होंने कहा है कि 9 प्रतिशत इंडियन इकोनॉमी जो यहाँ पर आपकी रिड्यूस होगी 9 प्रतिशत से आपकी रिडक्शन देखने को मिल सकता है एंड यहाँ पर फाइनेंशियल 22 अगले साल ये आपका दस से इंक्रीज हो सकता है ओके okay, सो so, यहाँ पर आपका दस प्रतिशत से इंक्रीज और ये माइनस नाइन परसेंट इस बार एस एंड पी की बात करें तो यहां पर सीईओ इसके डगलस एल पेट्रोसन है एंड जॉन बैरिसफोर्ड इसके प्रेसिडेंट है हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है अगली खबर चलते हैं हम वेटरन बॉलीवुड एक्टर नसरुद्दीन शाह ऑनर विद आदित्य कला शिखर पुरस्कार 2020 ओके सो यहाँ पर आपका एक्टर नसरुद्दीन शाह नाम तो सुना होगा है ना नसरुद्दीन शाह को ऑनर किया गया है आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार 2020 से कहाँ पर आयोजित किया गया संगीत कला केंद्र अवार्ड वर्चुअल फंक्शन हुआ था ये आपका कैटेगरी थिएटर में इनको थिएटर की कैटेगरी में दिया गया ये अवार्ड एंड दो और स्टार्स जो कि नील चौधरी हैं निरावती कार्निक इनको भी चुना गया विक्रम बिरला कला किरण पुरस्कार से कला किरण पुरस्कार ये कला शिखर पुरस्कार था ये कला किरण पुरस्कार है और इसके अलावा यहाँ पर थीम उसकी रही थिएटर इस बार की थीम क्या रही इस बार की थीम रही थिएटर एंड ये आपके नाउस की वहां के प्रेसिडेंट कौन है संगीत कला केंद्र के राजा श्री बिरला यहाँ के प्रेजिडेंट है आपके Uh, संगीत कला केंद्रा के एंड ऑल्सो यहाँ पर कुमार मंगलम बिरला निरजा बिरला एंड दी आदित्य बिरला फैमिली ने इस इवेंट को अटेंड किया एंड नसरुद्दीन शाह की बात करें तो इनका जो डेब्यू मूवी थी वो थी अमन जो कि 1967 में आई थी ओके सो एग्जाम पॉइंट से आदित्य विक्रम बिरला यहाँ पर आदित्य विक्रम बिरला कला uh, कला किरण पुरस्कार किसको मिला है नसरुद्दीन शाह को नहीं मिला है यह मिला है नील चौधरी एन इरावती कार्निक को मैंने अभी बोला आदित्य आदित्य विक्रम बिरला कला किरण पुरस्कार मिला है नील चौधरी इरावती कारनिक को नसुरुद्दीन शाह को कौन सा मिला है नसरुद्दीन शाह को मिला है कला शिखर पुरस्कार ठीक है कल के एमसीक्यू में गलती करोगे मुझे पता है तुम लोग पचास प्रतिशत से ज्यादा जनता का जवाब ये गलत होने वाला है कल की क्लास में और पचास प्रतिशत से बीस प्रतिशत तो इस क्लास को अटेंड करते हैं और बाकी तीस प्रतिशत में से बीस प्रतिशत आपके पी वाले होते हैं और बाकी दस प्रतिशत ऐसे होते हैं जो कहीं और के पढ़ते हैं और मेरे पास आकर यहाँ पर स्टंट करते हैं ओके सो वो स्टंट उनका फेल हो जाता है क्योंकि वहां पर तो ऐसे नहीं पढ़ाया जाता ओके सो ये है आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार नसुद्दीन शाह को आदित्य विक्रम बिरला कला किरण पुरस्कार चौधरी एंड कार्निक को दिया गया थिएटर इसकी थीम रही राजेश प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने डेब्यू किसमें किया था अमन में किया था यह अलग से क्वेश्चन आ जाएगा नसरुद्दीन निशान ने डेब्यू कौन सी मूवी में किया था आप सोच में पड़ जाओगे भाई साहब अब सारी मूवी एक्टर के मैं डेब्यू थोड़ी ना याद करूंगा अरे बंधु करंट अफेयर का क्वेश्चन था वो ठीक है सो so यह आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार के बारे में बात की गई है 1966 में स्टार्ट किया गया था लेट श्री आदित्य विक्रम बिरला के द्वारा एंड यह आपका दिया जाता है इसके तहत दो लाख रुपए और दिस इज कला केंद्र के बारे में मुंबई महाराष्ट्र में 1973 में बिरला साहब के द्वारा इनिशिएट किया गया था नेक्स्ट चलते हैं Merriam-Webster.com दो पॉपुलर डिक्शनरी कंपनीज पहली बार इन्होंने अपने दोनों ने मिलकर एक ही कॉमन वर्ड चुना है दैट इज पेंडेमिक एज वर्ड ऑफ द ईयर ओके कुछ दिन पहले भी एक वर्ड आया था बताओ कमेंट सेक्शन में कौन सा वर्ड आया था किसने घोषित किया था ओके सो यहाँ पर मैरियम वेबस्टार एंड डिक्शनरी डॉट कॉम ने पेंडेमिक को एज वर्ड ऑफ द ईयर चुना है एंड यहां पर पेंडेमिक इज अ वर्ड हैविंग रूट्स इन लैटिन एंड ग्रीक मीन पैन का मतलब होता है फॉर ऑल एंड डेमोज का मतलब होता है पीपल और पॉपुलेशन ओके फॉर ऑल फॉर ऑल फॉर ऑल पॉपुलेशन और पीपल ये मतलब होगा इसका पेंडेमिक

और आज भी क्लियर करके बैठे हैं ठीक है आज भी आप दे दो पेपर आज भी इंग्लिश अपने पेपर क्लियर कर लेंगे तो देसी इंग्लिश सो में से दस लोगों के काम आती है नब्बे लोग फेल हो जाते इंग्लिश में ठीक है सो डिक्शनरी डॉट कॉम स्टार्टेड अनाउंसिंग वर्ल्ड ऑफ दर इन दो हजार दस वे असेंशियल लिंकिंग टू क्लाइमेट चेंज गन वायलेंस वॉज दी वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2019 में ओके सो यहाँ पर आपका डिक्शनरी डॉट कॉम वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2010 हजार दस तभी मैंने बोला दस ही कामयाब होते हैं बाकी नब्बे कामयाब नहीं होते तो इसलिए जो इंग्लिश पढ़ते हो ना पढ़ते रहो ठीक है वो दस लोग अब कौन से हैं मुझे नहीं पता तुम में से कौन से हैं ठीक है ओके <laughs> okay. हाँ कहीं जो मेरी बात सुन के सौ के सो, सो लोग यहाँ स्टेंट करने अब जमाने चले जाओ देश इंग्लिश के बारे में फिर फिर आ, पेपर भी नहीं पास होगा और ऊपर से जो टीचर है तुम्हारी वो भी तुम्हारे कहेंगे कि यार क्या यार मेरा बेड़ा गर कर दिया तुमने है तो ऐसा स्टंट मत अपनाना वो क्या तो कौन सी वार्निंग होती है

ये आपकी कमेटी बेसिकली उन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिम्मेवार होगी जो कि आपकी रहेंगी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस जिसको प्रिपेयर किया गया था इंडिया के द्वारा पेरिस एग्रीमेंट 2015 के अनुसार सो so आईपा जो है वो एक नेशनल ऑथोरिटी की तरह काम करेगा फॉर द रेगुलेशन ऑफ द कार्बन मार्केट इन इंडिया एंड विच आर डिफाइंड अंडर दीज दीज आर्टिकल्स ओके सो आर्टिकल याद नहीं करने द कमेटी विल हैव एडिशनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट कंजर्वेशन एज दी वाइस चेयरपर्सन अलॉन्ग विदिफ्टीन मेम्बर्स ओके सो यहाँ पर पंद्रह मेबर्स साथ में रहेंगे एडिशनल सेक्रेटरी रहेंगे एंड यहाँ पर सेक्रेटरी एम ओ ई एफ सी सी के वाइस चेयरपर्सन uh, रहेंगे एक मेंबर हेड रहेंगे और बाकी पंद्रह मेम्बर रहेंगे ओके okay, पहले जब ये न्यूज शुरू की थी यहाँ पर जब मैं था ना कमेटी विल हैव एडिशनल सेक्रेटरी तब मैंने सोचा एम ओ ई एफ सी सी क्या चीज आ गई बोले जब तक मैं सेक्रेटरी पढ़ रहा था तब तक मेरे को इसकी नहीं याद आ रही थी फिर पता नहीं क्या हुआ दिमाग में कहाँ से एक ख्याल आया कि इसकी फुल फुलप मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हो सकती है ना तो जटाक से आ गया माइंड में पता नहीं कौन सा मंत्र माइंड में मैंने फूका था ठीक है और एकदम सारा जब सच्ची यार ऑनेस्टली बता रहा जब तक सेक्रेटरी पढ़ा तो मैं मैंने कहा यार स्किप कर देते हैं यार बेचती ना हो जाए बच्चों के सामने मैंने कुछ और बोल दी कुछ और निकल गई बस भगवान का शुक्र है सही निकला जो निकला ओके सो पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल फोर पैराग्राफ टू मैंडेटेड ईच ऑफ इट्स कंट्रीज टू प्रिपेयर कम्युनिटी कम्युनिकेट एंड मेंटेन पोस्ट 2020 क्लाइमेट एक्शन टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एंड मिटिगेट द इंपैक्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज दीज आर नोन एज द नेशनली डिटरमाइंट कंट्रीब्यूशन सो जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आए थे ये वाले जो हमने कहा था ना इंडिया के द्वारा प्रिपेयर किए पेरिस अग्रीमेंट के तहत ये इनकी बात करें ये क्या चीज है ये यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है ये है आपके नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ओके एंड नेक्स्ट क्या है यहाँ पर बताया गया आठ गोल्स है इंडिया के एनडीसी में जिसमें से तीन तो है आपके क्वांटिटेटिव गोल्स और पांच है नॉन क्वांटिटेटिव गोल्स तीन जो क्वांटिटेटिव गोल्स हैं वो कौन से हैं पहला है 33 से 35 परसेंट रिडक्शन इन जीडीपी एमिशंस इंटेंसिटी बाय 2030 2005 से 2030 के लेवल में आपका यहां पर 33 से 35 परसेंट रिडक्शन देखने को मिलेगी

क्लाइमेट फ्रेंडली क्लीन पार्ट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्डिंग कैपेसिटी एंड क्लाइमेट टेक्नोलॉजी एंड मोबाइल डोमेस्टिक एंड न्यू एडिशनल फंड्स ये पांच आपके यहां पर आते हैं क्वांटिटेटिव नॉन क्वांटिटेटिव कैटेगरी में ओके okay, जो कि है एनडीसी के सो so, यहां पर आपको याद रखना है एनडीसी के टोटल आठ गोल्स हैं तीन गोल्स ये वाले हैं आपके याद करने पड़ेंगे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में और ये आपका जो गोल है इसमें पांच कैटेगरीज हैं जो कि रिलेटेड है नॉन गोल्स आर रिलेटेड टू द इंडियन नेशनलिट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूटर्स जो कि पेरिस एग्रीमेंट के तहत यहां पर एडॉप्ट किए गए थे पेरिस एग्रीमेंट दो में साइन किया गया था ये इसके बारे में यहां पर लिखा हुआ है ओके चलिए अगली न्यूज चलते हैं सीसीआई uh, ने अप्रूव किया है एक्विजीशन एंड अमेलगमेशन ऑफ सीसीआई द एक्विजीशन एंड अमेलगमेशन ऑफ ओके रिविगो बाय स्प्रिंग सेंटर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एंड अमेलगमेशन ऑफ द श्री कला हस्ती पाइप विद इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड सो सीसी ने अप्रूव किया है यहां पर एक्विजिशन एंडलगमेशन सेक्शन थर्टी वन वन ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट टू थाउजेंड टू जिसके तहत एक्विजिशन यानी कि रिवीगो सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को, को एक्वायर किया जाएगा स्प्रिंग सेंटर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के द्वारा एंड यहां पर आपका दूसरा अमेलगमेशन यानी श्री

टेक ओवर करती है तब यहां पर सीसीए से इसका अप्रूवल लेना अनिवार्य होता है बिकॉज Because... मान लीजिए पूरे के पूरे इंडिया में यहाँ पर केवल दो कंपनीज हैं जो एक तरह का काम करती हैं यानी कि मान लो टेलीकॉम के सेक्टर में दो ही कंपनीज है पूरे इंडिया में अगर ये दोनों मिलकर एक ही कंपनी होना चाहे तो सीसीआई मना कर देगा क्यों मना कर देगा क्योंकि देर विल बी नो कंपटीशन और ये फिर एक ही कंपनी अपनी मर्जी से चार्ज करेगी कस्टमर से कंज्यूमर से कुछ भी तो इसी तरह से अगर कंपिटिशन फेयर कंपिटिशन बने रहने के लिए मार्केट में हमेशा किसी भी कंपनी को एक दूसरे से क्वायर किया जाता है टेक ओवर किया जाता है मर्ज किया जाता है तो उस केस में सीसीआई से लेना अनिवार्य होता है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, इसके चेयरपर्सन अशोक कुमार गुप्ता है एंड ये आपके चौदह अक्टूबर दो में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर आपका अफेक्ट में लाया गया था एस्टेब्लिश किया गया था दुनिया का ओल्डेस्ट नैनो स्ट्रक्चर दैट इज फाउंड इन दिक्कत सेंचुरी बीसी पोट्री फ्रॉम द तमिलनाडु सो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है ओल्डेस्ट नॉन ह्यूमन मेड नैनो ओके इन द यूनिक ब्लैक कोटिंग्स यूनिक ब्लैक कोटिंग्स ऑफ द एंशियन पोट्री शार्ड्स जो कि आपके 600, 600 छो बीसी ओके बीसी का यहां पर मतलब बिफोर क्राइस्ट है ठीक है समझ गए लोंडे लोग बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट है दैट वर अन्न फ्रॉम एन आर्क्योलॉजिकल साइट इन केलाडी तमिलनाडु ओके सो यहाँ पर केलादी तमिलनाडु में यहाँ पर आपका किया गया है आर्कियोलॉजिकल साइट्स साइट में यहाँ पर इसको निकाला गया ढूंढा गया मिला ये यहाँ पर दुनिया का सबसे पुराना ह्यूमन मेड नैनो मटेरियल यूनिक ब्लैक कोटिंग में ये मिला आपका यहाँ पर 600 600 बिफोर क्राइस्ट मींस आपका अभी यहाँ पर आफ्टर क्राइस्ट चल रहा है आफ्टर क्राइस्ट नहीं क्या बोलते हैं एडी सॉरी एडी एंड दिस इज दी सी एडी की बोलोगे आती है ओके सो यहाँ पर आपका अ जनरल पब्लिशिंग द जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स एंड फाइंडिंग्स हैव बीन डॉक्यूमेंटेड इन अ पेपर पेपर जहां पर नेचर नाम की ये एक मैगजीन uh, में या कह सकते हैं एक रिपोर्ट में पब्लिश किया गया सो इन अकॉर्डिंग्स विद दिस सर्व दिस कोडिंग्स आर मेड ऑफ द कार्बन नैनोट्यूब्स व्हिच हैव अनेबल द लेयर लास्ट मोर देन 2600 साल पुरानी यहां पर 600 बीसी और 2600 साल पुरानी एक ही बात है यहां पर आपका कार्बन नैन्य ट्यूब्स में थी जिससे ये बची रही वहां पर एंड दिस डिस्कवरी हैज सक्सेडेड द ओल्ड नॉन कार्बन नैनो स्ट्रक्चर दैट वाज फाउंड इन द डमास्कस ब्लेड्स फ्रॉम सिक्सटीन टू एटीन सेंचुरी में पाया गया था एंड दैट वाज आल्सो मेड इन इंडिया इससे भी पुरानी आपकी मिली है ये ये पहले इससे पहले जो सबसे पुरानी थी 2000 डमास्कस ब्लेड्स एंड नाउ इट इज द यूनिक ब्लैक कोटिंग्स दिस हैज बीन फाउंड ह्यूमन मेड कहां पर पाई गई ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ये इस न्यूज में से किलाडी तमिलनाडु में ओके सो यहाँ पर आपको किलाडी तमिलनाडु में ये पाया गया नेचर ओके नेचर ओके बढ़िया एनोडोमिनी ओके डोमिनी डोमिनोस अबे भरदवाज मेंबर ऑफ बीजेपी एंड राज्यसभा एमपी पास्ड वेन हॉस्पिटल इन चेन्नई तमिलनाडु चेन्नई तमिलनाडु में राज्यसभा के एमपी ये दूसरे राज्यसभा के एमपी मिले हैं गुजरात से जिनका निधन हो गया कोविड 19 की वजह से अहमद पटेल का भी हाल ही में निधन हो गया था ये एक अभय भारद्वाज जी आपके यहां पर लॉयर थे ओके okay, लॉयर थे वह सिलेक्टेड राज्यसभा फ्रॉम गुजरात इन जून ट्वेंटी में ही इन दोनों इलेक्ट हुए थे आपके okay, गुजरात से लॉयर थे प्रोफेशन पूछेंगे तो क्या आंसर देना है लॉयर थे अभय भारद्वाज कोविड नाइनटीन की वजह से निधन हुआ इनका

नाम वाहना मास्टर क्लास अब वाहना मास्टर क्लास में क्या है अगर आपने थोड़ी बहुत अपनी दादा जी दादी जी से कुछ हल्का फुल्का सुना होगा तो हम यहाँ पर गणेश जी को गणेश जी का जो वाहन है वाहना वाहन हम बोलते हैं ना गणेश जी का वाहन कौन है गणेश जी का वाहन होता है चूहा दैट इज दी माउस ओके सो यहाँ पर उन्होंने माउस की बात यहाँ पर माइस ओके माइस क्या होता भाई? Mouse, mice, है भाई माउस माइस है माउस की बीवी माइस होती है कि माइस से होता है ओके okay, सो so यहाँ पर आपका वाहना मास्टर क्लास एक बुक है चार माइस अनंत कार्तिका अंजलि एंड दी कनु ओके सो ये चार हैं इनके नाम अनंत कार्तिका अंजलि एंड दी कनु ओके सो एंड इनकी जर्नी के बारे में बताती हैं इनकी जर्नी के बारे में बताती हैं और किस तरह से बताती हैं दी टूवर्ड्स बिकम दी नेक्स्ट वाहना लोड गणेशा अंडर द गाइडेंस ऑफ द मूशिका मुशिका की गाइडेंस में किस तरह से लोड गणेशा के वाहन बनते हैं द प्रेजेंट वाहन ऑफ गणेशा जो फिलहाल मौसिका जो है गणेशा जी का वाहन है जिनका नाम है मौसिका जिनको कहते हैं एंड दिसिका नोट द मौशिका ओके सो कुछ

So, यहां पर इंडियन वर्जन ऑफ हैरी पॉटर विद माइस कार्तिका अंजलि यहाँ पर माइस uh, अच्छा माउस माइस प्लूरल होता है वही तो कह रहा है सो अपनी, अपनी, <laughs> so, अपनी देसी इंग्लिश अपने को पता नहीं प्लू मुझे, तो, मुझे तो एक बार लगा था माउस की बीवी को माइस करते हैं ठीक है सो so, यहाँ पर अनंत कार्तिका अंजलि एंड कनूके सुध सु चार उन चार चूहे उनके बारे में चारों के नाम वाहना मास्टर क्लास जैनब तंबावला माइथोलॉजी कल्चर हैरी पोटर के एक इंडियन वर्जन बताएगी जिस तरह से हैरी पॉटर की मूवी है उसी तरह से बुक में आपका हिंदी वर्जन उस तरह से आपका किया गया इसको हाँ पेट्रोनम ग्रेट एक्सपेक्टो पेट्रोनम याद करना आने को आ जाए एग्जाम में क्या बोलेंगे एक्सपेक्ट्रोपेट्रोन हिंदी में कहते हैं इसको पितृदेव संरक्षणम ओके okay, पितृदेव संरक्षण मैं इंग्लिश में नहीं देखता मैं हिंदी में देखता था है ना इंग्लिश में पता नहीं क्या बोल के चले जाते हैं इंग्लिश में एक तो मूवी इंग्लिश की होती है भाई तो कोई चला ले तो समझ नहीं आती आ, सा, साथ वाला देख रहा बड़े इंजॉय कर रहा है वो हंसे जा रहा है वो डर रहा है मेरे सामने कोई इंग्लिश वाली मूवी चला दे मैं देखता रहा भाई पता नहीं क्यों हंस रहा है क्यों डर रहा है क्यों डर रहा है ऐसे मुँह ताकते रहते देखते रहते हैं ना है ना होता है वैसे शादी हो जाएगी तो पता लग जाएगा आपको जब घर वाली आपकी जादी वाली आ जाएगी और आपको भाई अंग्रेजी का ए भी नहीं आता होगा उसको इंग्लिश का ई आता होगा आपको अंग्रेजी का ए नहीं आता होगा तब आपको ये फीलिंग आएगी काश मैंने भी अंग्रेजी पढ़ ली होती थोड़ी बहुत चीफ मिनिस्टर असम सर्बानंद सोनोवाल लॉन्च किया अरुणोदोई स्कीम ओके अरुणोदोई स्कीम आपकी लॉन्च की है स्टेट में द स्टेट स्कीम इज अलॉटेड विद एन एनुअल बजट ऑफ चौबीस करोड़ ओके चौबीस करोड़ के एनुअल बजट के साथ ये की गई है एंड चौबीस सौ करोड़ टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस सोशियो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ पांच साल ओके सो यहाँ पर आपका uh... सोशियो इकोमिक विकर सेक्शन अगले पांच सालों के लिए उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी चौबीस सौ करोड़ की चौबीस सौ करोड़ एनुअल बजट और सर्वानंद सोनोव द स्कीम विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट आठ सौ तीस पर मंथ डीबीटी यानी कि उनके खातों में डायरेक्ट भेजे जाएंगे वीमेन के एंड महिलाओं के एंड इसके तहत उनको मेडिसिन के लिए चार सौ रुपये सब्सिडी पल्सिस दाल खरीदने के लिए दो सौ रुपये चीनी खरीदने के लिए अस्सी रुपये और जो आ, फल और सब्जियां हैं उनके लिए डेढ़ सौ रुपए उनको दिए जाएंगे वीमेन विद फैमिली इनकम और लेस देन टू लाख रुपीज ही वे बेनिफिट अवेल कर सकती हैं ये आपका किया गया है स्कीम एग्जाम में पूछेंगे कौन से स्टेट के द्वारा असम राइट आंसर कितना बजट है चौबीस करोड़ कितने सालों के लिए पांच सालों के लिए कितना पैसा दिया जाएगा आठ रुपए पर महीना दिया जाएगा एंड ये भी याद रखना है कितना कितना फंड उनके सब्सिडी के फॉर्म में उनको दिया जाना है सब्सिडी मीन्स उनको इतने रुपए कम में मान लीजिए उनके जार की दवाइयां तो चार सौ उनका छूट मिल एक महीने में उनको चार सौ रुपये में समझ लीजिए उनको पैसा दिया जाएगा एक प्रकार से नहीं। बट ये एलिजिबिलिटी है एलिजिबिलिटी किनकी इनकम सिर्फ दो लाख रुपये पर एन से कम है उन्हीं को ये सुविधा मिलेगी बट असम के चार ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं इन बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन जहां पर ये इंक्लूड नहीं किया गया है ये चार डिस्ट्रिक्ट्स ओके okay. नेक्स्ट चलते हैं हम uh... डीओ टी मैंडेट जीरो लैंडलाइन टू मोबाइल कॉल्स फ्रॉम 15 जनवरी 2021 ओके सो यहां पर आपका जीरो प्रिफिक्स लगाया जाएगा लैंडलाइन से मोबाइल फोन करेंगे लैंडलाइन से मोबाइल अरे <laughs> आपको पुरानी बात बताऊं एक बार ठीक है चलो छोड़ो यार

मतलब बढ़ाना नंबर्स को बढ़ाने के लिए किया गया है जीरो प्रीफिक्स लगाना है आपका लैंडलाइन टू मोबाइल अच्छा प्रीफिक्स प्रीफिक्स अच्छा मतलब फिक्स से पहले प्री मतलब ये प्री पहले लगाना प्री का मतलब तो पहले होता है ना है ना सफिक्स मतलब सफिक्स नहीं सफिक्स का मतलब स्टार्ट होता है क्या प्रीफिक्स का मतलब लास्ट होता है हैं समझ में आ रही है मतलब कि पहले जीरो लगाना है अच्छा पहले जीरो लगाना ठीक है

अब यहाँ पर मेरे जैसे देसी इंग्लिश वाला कन्फ्यूज हो जाएगा मैं कहूंगा भी सही है सफिक्स भी सही है फॉर स्टार्ट पहले फिक्स किया है ना तो मैं यहाँ पर तो तो मैं तो यहां पर गलत कराऊंगा क्वेश्चन तो इसलिए देसी इंग्लिश पर खतरनाक साबित तो हो सकती है ओके okay, चलो वैसे मेरी बात सुनकर कंफ्यूज हो गए अपने इंग्लिश वाले टीचर से बोझना सर प्रिफिक्स मैडम है या इंग्लिश वाले जो भी सर है ठीक है उनसे बोलना सर प्रिफिक्स के आगे चलो ठीक है मान लिया प्री लगा दिए तो उसके पहले हो गए तो सफिक्स

मेरी तरफ से क्या ना कपिल सर ने पूछा चाइना सेड टू कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट डाउनस्ट्रीम डैम ऑन द यारलोंग ज़ेंगबो रिवर ओके इन तिब्बत ओके और पूछोगे ना उसको जब यहाँ कमेंट करो ना मुझे मुझे ना वो क्लिप ना जरूर काट के भेजना टीचर ने जवाब क्या दिया ठीक है फर्स्ट डाउनस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम डैम ऑन द ज़ेंगबो रिवर तिब्बत में ओके okay, सो so यहां पर आपका द अथॉरिटी अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ द पावर चाइना अ स्टेट ऑन हाइड्रो पावर कंपनी टू कंस्ट्रक्ट द कंस्ट्रक्ट दी डैम ओके सो यहाँ पर चाइना सेट टू कंस्ट्रक्ट दर्ट फर्स्ट डाउनस्ट्रीम डैम ऑन यारलुंग जेंगो रिवर तिब्बत में ओके सो फर्स्ट डाउनस्ट्रीम डैम यारलुंग जैंगो रिवर पे चाइना कंस्ट्रक्ट करने जा रहा है इसके लिए अप्रूवल भी मिल गया है पावर चाइना का स्टेट ओन्ड हाइड्रो पावर कंपनी स्टेट ओल्ड का मतलब यहाँ पर कंट्री से है स्टेट का मतलब कंट्री से यहाँ पर यह कोई स्टेट से मतलब नहीं है एंड दिस दी पावर चाइना हाइड्रो पावर कंपनी ऑफ चाइना ये आपका बनाने जा रहा है डाउनस्ट्रीम डैम ऑन दी रिवर ब्रह्मपुत्र अब जिसने मेरे से डाउन स्ट्रीम का मतलब पूछा तो भाई साहब निकलो से जिसका मतलब तुम्हारी मैथ बिल्कुल जीरो अगर जिसको डाउनस्ट्रीम का मतलब नहीं पता सो पावर चाइन पावर चाइना साइन स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन एग्रीमेंट विद तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ट दी हाइड्रो पावर एक्सप्लोटेशन इन दाउन स्ट्रीम ऑफ रो एक्टन कंट्री आपके बनाने जा रही है और इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं कौन सी कंपनी पावर चाइना पावर चाइना ने साइन किया इसके लिए एग्रीमेंट विद्बत ऑटोनोमस रीजन गवर्नमेंट के साथ तिब्बत ऑटोनोम रीजन के साथ ट्वेंटी बिलियन यूनि इससे यहाँ पर इनकम जनरेट हो सकती है ओके नेक्स्ट चलते हैं रामायण क्रूज सर्विस बिकम्स इंडिया फर्स्ट लग्जरी क्रूज सर्विस ऑन द सरयू रिवर इन अयोध्या यूपी सो रामायण क्रूज सर्विस इज टू बी ऑन सरयू रिवर के ऊपर यहां पर लॉन्च करने जा रहे हैं अयोध्या उत्तर प्रदेश में सरयू नदी अयोध्या उत्तर प्रदेश में है यहां पर रामायण क्रूज सर्विस एक लॉन्च की गई है यहां पर और दिस इज ऑन घाघरा नेशनल हाईवे नंबर नेशनल वाटरवे नंबर फोर्टी घाघरा नदी है आपकी नेशनल वॉटरवे फोर्टी ये इंडिया की पहली लग्जरी क्रूज सर्विस है सरयू रिवर

इंडिया मैं फुटबॉल टीम राइजेस फोर स्पोर्ट्स टू एक सौ चार रैंक इन फीफा नवंबर रैंकिंग ओके फीफा नवंबर की रैंकिंग अभी हाल ही में आई थी और उसमें यहां पर टॉप अगेन द सेम कंट्री बेल्जियम फ्रांस ब्राजील इंग्लैंड पोर्तुगल का रैंक 104 रहा पहले 108 था इंडिया का रैंक जो कि अब 104 हो चुका है एंड पहले 108 था और इंडिया के साथ कीनिया ने शेयर किया है रैंकिंग कीनिया ने इंडिया के साथ शेयर किया ये भी पूछ सकता है कौन सी वैसे ये रैंकिंग ना हरेक मंथ आती है हरेक मंथ आती है तो दिसंबर में नई रैंकिंग आएगी जनवरी में नई रैंकिंग आएगी तो हो सकता है तब तो अपडेशन हो जाए फिलहाल हमारे सामने एक नंबर है नेक्स्ट चलते हैं हम डीआरडीओ ने क्रिएट किया नई लेबोरेटरी डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट मर्ज किया दो डीआरडीओ की लैब्स को कि दो डीआरडीओ की लैब्स को यहां पर मर्ज किया गया एक है सासे एंड दूसरा है डी आर एल ओ के सासे देखो तो मैं सासे सोस कौन सी सोस होती है वो सॉस पता नहीं यार इतनी नाम ही लड़कियाँ नाम ले सकते हैं अजीब सा ही होता है ना सॉस का डीआरडीओ uh, ने क्रिएट किया है नई लेबोरेटरी जिसका नाम है डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ओके सो ये एक नाम है लेबोरेटरी का डीआरडीओ ने एक नई लेबोरेटरी क्रिएट की है डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर और बेसिकली क्या किया है? दो लैब्स को मर्ज किया गया दो कौन सी लैब है एक है मनाली में है ओके दैट लैब इज एस्टेब्लिशमेंट सासे और दूसरी है दिल्ली बेस्ड डिफेंस ट्रेरिन रिसर्च लेबोरेटरी दैट इज डी टी okay, आर एल ओके so सो यहाँ पर आपका स्नो एंड एवलांच स्टडीज एस्टेब्लिशमेंट ये है एक आपकी सासे और दूसरी है डी टी आर एल दिनों को मर्ज करके एक लैब बना दी गई है और उस लैब का नाम रखा गया है डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ये

इट वॉजिश नाइनटीन सिक्सटी फोर स्नो एंड एवल स्टडीज एटैब्लिशमेंट की बात करें सिक्सटी में आई थी और उसका बेसिक एम है जो आपके स्नो एंड एवल होता है जो आपके आ, uh, क्या कहते हैं वो बर्फ एकदम से गिर जाती है जो एव लॉन्च जिसको कहते हैं ओके okay. सो okay, so यहां पर आपका टू प्रोवाइड लॉन्च कंट्रोल मेजर किस तरह से उसको कम किया जा सकता है इट है तीन हजार लोकेशन पे इसने अपना पूरा पूरा एरिया बताया यहाँ यह अब लॉन्च हो सकता है ओके okay, जो आपका बर्फ का तूफान नहीं आता जिसको उसको आप लॉन्च कहते हैं ओके okay. सो so जो आपने मूवीज में देखा होगा हॉलीवुड मूवी अगर आप देखते हो तो ठीक है सो so, इंडिया uh, की मूवी में तो होता है बट वो नकलीस

बनाई गई पांच मेंबर की कमेटी जिसको हेड किया था प्रोफेसर वी रामागोपाल राव के द्वारा जो कि डायरेक्टर हैं आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर हैं आईआईटी दिल्ली के ये आपकी पूरी की पूरी जो भी लेबोरेटरीज हैं डीआरडीओ की उनके बारे में उनकी ड्यूटीज को रिव्यू करेंगे कि कौन सी लैब किस तरह का, का काम करेगी ये आपका एक पांच मेंबर की कमेटी जिसको हेड करेंगे प्रोफेसर वी रामागोपाल राव ये आपके जो हेड करेंगे इनके द्वारा यहाँ पर आई दिल्ली के जो डायरेक्टर हैं इनके द्वारा ये पूरी की पूरी एक बनाई जाएगी डिफाइन किया जाएगा कि किस लैब की क्या क्या ड्यूटी है यहाँ पर स्नो एवलांचर स्टडीज एस्टेब्लिश की बात करें तो इसके डायरेक्टर लोकेश कुमार सिन्हा है और इवन डीटीआरएल के डायरेक्टर भी लोकेश कुमार सिन्हा है ठीक है सो कन्फ्यूज मत होना कि यहाँ पर गलत लिखा हुआ दोनों के एक ही है एडिशनल चार्ज दिया गया था आपको सासे एंड दी आर के जी सतीश रेड्डी एंड दी हेडक्वार्टर इन दी न्यू दिल्ली ओके अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और यह है पोल्यूशन लेवल की तरफ ओके पोल्यूशन लेवल सर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया विटनेसिंग हायर राइज इन पोल्यूशन लेवल लेवल्स देन आईजीपी सीपीसीबी आईएटीडी सर्वे ओके अकॉर्डिंग टू सर्वे जो कि कंडक्ट किया गया था सीपीसीबी आईएटी

अब भी ना मेरे प्लस क्लास का टाइम हो गया तो वहाँ पर चलते हैं बाकी कंटिन्यू करेंगे कल सुबह आ जाना कल सुबह बता दूंगा पंद्रह मिनट पहले शायद क्लास लूँगा मैं कल स्टार्ट करूँगा सुबह आठ बजे के बजाय पौने आठ लूंगा अच्छा एक और खबर आपको वैसे थोड़ा सस्पेंस में रखना चाहूँगा स्टार्ट करने जा रहा हूँ अगले संडे से अगले संडे से मैं एक स्टार्ट करने जा रहा हूँ और वो स्टार्ट हो रहा है टाइटल आपको बता दूँ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी करंट अफेयर्स प्रीमियर लीग ओके करंट अफेयर्स प्रीमियर लीग हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपके कुछ

कम टू दी प्लस क्लास अगर प्लस के स्टूडेंट हो तो आ जाइए वहां पर हम कर रहे हैं कुछ एम्प की यूज सुबह जो हमने करंट अफेयर्स की थी टेक केयर बाय बाय एंड सी यू टुमारो मॉर्निंग